Hello friend, Jai Jagannath, this is Aman Kumar Mishra and you are watching your favorite YouTube channel PetSeva. तो दोस्तों ठंड की मौसम तो बढ़ी गई है तो आज हम लोग एक खास रेसिपी करेंगे ट्राई जो हर घर में बनता है हर जगह मिलता है जिसे पाव भाजी कहते हैं दोस्तों घर में कैसे बनाते हैं इजिली मैं आपको बताता हूँ वीडियो के साथ बने रहें लास्ट तक और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल PetSeva। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया आज हम लोग पाव भाजी ट्राई कर रहे हैं दोस्तों तो इतने सारे इंग्रेडिएंट मैंने लिए हुए हैं एक एक करके मैं सब बताता हूँ आपको मैंने क्या क्या लिया। सबसे पहले दिए सबसे ज़रूरी टमाटर जूसी टमाटो मैंने 4 पीस कट करके रख लिए हैं। ये शिमला मिर्च है, आलू मैंने लिया हुआ है, गाजर है, मटर है, बीट रूट है और ये गोभी हो गया और अनार और ये नींबू। ये कुछ हल्के मैंने अलग आज टेस्ट करने के लिए मैंने कुछ समझिए एक तरह से एक्सपेरिमेंट है खट्टा कुछ खट्टा मीठा चंकी फ्लेवर आने के लिए मैंने इसे अनार को लिया हुआ है और नींबू को लिया हुआ है दोस्तों। तो ये इतने इंग्रेडिएंट हैं। अब मैं बताता हूँ आगे मैं क्या करता हूँ इससे। तो दोस्तों सबसे पहले गैस ऑन कर लेता हूँ मैं और ये जो कुकर है ये प्री हीट है पहले से गर्म है। इस पर अब मैं 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल दूंगा, ज़्यादा नहीं दोस्तों, और इसको अच्छे से गर्म कर लेना है, ज़्यादा नहीं है देख सकते हैं 1 से 2 चम्मच और इसको पूरा गर्म कर लेना है अच्छे से तेल को, फिर बाकी सामान डालेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप तेल गर्म हो चुका है हम लोगों का। अब इसमें हमने जो ये वेजिटेबल्स लिया हुआ है इसमें अनार और नींबू छोड़ के और टमाटर छोड़ के अभी हम लोग ये सब हल्का 5 मिनट फ्राई कर लेंगे। इसमें हल्का फ्राई करना है 5 मिनट तक। इसको हल्का करीब 4 से 5 मिनट हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे दोस्तों अच्छे से। देखिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों करीब 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद देख लीजिए अच्छे से फ्राई हो गया है दोस्तों। अब इसमें हम लोग 1/2 चम्मच हल्दी देंगे। ये देखिए 1 चम्मच भर के नमक और ये पाव भाजी मसाला आजकल रेडीमेड मार्केट में मिलता ही है दोस्तों। इसको पूरा हम लोग पूरा पैकेट इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसको अच्छे से एक बार चला लेंगे। वैसे तो जो भी मसाला रेडीमेड आता है दोस्तों वो रोस्टेड ही रहता है, भुंजा हुआ ही रहता है हल्का। तो इसको हल्का से ये चला लेने के बाद इसमें 1/2 गिलास पानी मैंने लिया है इसको डाल के करीब 10 से 15 मिनट इसको हम लोग पैक करके छोड़ देंगे। याद रहे दोस्तों 15 से 20 मिनट। तो दोस्तों देखिए 15 से 20 मिनट हो गए, मैं इसे गैस को ऑफ करता हूँ और देखता हूँ कि अच्छे से ये पक गया है कि नहीं हम लोग का पाव भाजी का भाजी। देखिए दोस्तों हल्का से देखिए दोस्तों अच्छे से तो पक ही गया है। अब इसको हम लोग अच्छे से पहले इसमें मेस लेते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से मैंने मेस कर लिया है देख सकते हैं आप। ये देखिए अब ये कढ़ाई मैंने जो प्री हीट किया हुआ है पहले से गर्म इसको मैं चढ़ा के ऑन करता हूँ गैस। देखिए ये ऑन हो गया। अब इसमें हम लोग सबसे पहले अमूल का मैंने बटर लिया हुआ है इसको मैं पूरा ये स्लाइस काटूंगा इसको डायरेक्ट इसमें। अब इसमें मैं सबसे पहले ये मैंने लिया हुआ 1/2 टमाटर 1/2 प्याज और 1/2 लहसुन का पेस्ट मैंने घर पे बना लिया है अच्छे से। देखिए
अब इसको मैं सबसे पहले इसमें फ्राई करूँगा, करीब 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करना है। अब दोस्तों ये जो पाव भाजी मसाला है, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच, ये इतना ही डालना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें हम लोगों ने डाला हुआ था। और ये 4 टमाटर कटा हुआ, ये अब इसको भी डाल के हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो मैंने डाला हुआ था ये अच्छे से फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं कटा हुआ टमाटर और टमाटर लहसुन और प्याज का पेस्ट जो मैंने डाला था। अब इसमें हम लोग ये जो हमारा हम लोग का उबला हुआ ये जो भाजी है, अब इसको भी इसमें फ्राई करेंगे अच्छे से। करीब 5 से 7 मिनट इसको भी फ्राई कर लेंगे दोस्तों। ठंड के समय के लिए बहुत ही ये पौष्टिक रेसिपी है दोस्तों, जरूर जरूर से जरूर ट्राई करें एक बार घर में। देखिए दोस्तों ये अच्छे से पूरे तरह से मेस भी हो गया है और हल्का हम लोगों ने 5 मिनट फ्राई भी कर लिया, देख सकते हैं इसका जो भाजी बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ रहा है दोस्तों। अब इसमें हम लोग, आप लोग अगर गाढ़ा रखना चाहते हैं तो गाढ़ा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा हल्का पानी दूंगा। देखिए ये हल्का पानी देके करीब, देखिए हल्का सा पानी देके इसमें मिला सकते हैं, हल्का पतला हो गया, आप गाढ़ा भी रख सकते हैं। तो करीब 2 से 3 मिनट में इसे रख के और फिर ऑफ कर दूंगा। ये देखिए लेमन जूस है, मैंने नींबू का, एक नींबू का रस निकाला हुआ है जो हल्का खट्टेपन के लिए है, इसको मैं दे दूंगा। और मैं आज एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने अनार का भी जूस लिया हुआ है, थोड़ा सा अनार मैंने आपको बताया था शुरू में, इसको भी मैं इसमें मिला लूँगा हल्का खट्टेपन के लिए, मैं इसे टेक्स्चर देने के लिए मैंने ऐसा किया है। बस 2 मिनट के बाद मैं गैस ऑफ कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मैंने तवा चढ़ा दिया है प्री हीट के लिए, ये गर्म हो रहा है और ये रहा मेरा पाव। अब इसे मैंने इसे साइड से काट कटिंग कर लिया है, अब इसे देखिए कैसे कटिंग करना है। ये 2 का मैं ले लिया, अब इसको ऐसे बीच से मैं काट लूँगा। देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है ये काटने का, देखिए दोस्तों होगी। अब ये जैसे ये हिट है तो इसमें मैं बटर डालूंगा, देखिए दोस्तों का माच में इसे ऐसे हल्के चला लेना है, बटर हो जाएगा गर्म, और इसको ऐसे करके ऐसे पलट देना है दोस्तों। थोड़ा तेज आंच कर लेंगे, तो देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है दोनों तरफ। देखिए ये हल्का मैंने जानबूझ के डीप फ्राई किया है, बहुत ही क्रंची टेस्ट आएगा। देखिए दोनों तरफ फ्राई हो चुका है बटर से, इसको ऐसे करके फोल्ड करके दोस्तों मैं निकालता हूँ, ये रहा। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ रहा है, देखिए ये अच्छे से फ्राई भी हो गया है दोनों तरफ, बीच में ही फ्राई हो गया है। ये हमारा भाजी है जिसमें मैंने हल्का सा अनार डाला है खट्टा मीठा टेस्ट के लिए, ये सैलेड से मैंने इसको अच्छे से गार्निशिंग किया है, सजाया दोस्तों। तो देखिए बहुत ही अच्छा, ये कलरफुल बहुत ही अच्छा बना और बहुत इजी तरीके से ये बना है, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही कम समय लगा है। तो प्लीज़ घर में ज़रूर इसे ट्राई करें और प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं कैसा लगा ये बना के, आपको खाने में कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय जगन्नाथ।